दोस्तों आज हम फिर से आ गए हैं आप लोगों के बीच एक न्यू जानकारी लेकर। आइए हम जानते हैं वो क्या है जानकारी। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए और जानिए वो क्या है जानकारी। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें। हम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो दोस्तों, आज के वीडियो पहला वीडियो होगा काइन मास्टर पे थंबनेल बनाने का। तो हम आपको आज बताएंगे काइन मास्टर से थंबनेल कैसे बनाते हैं। अभी तक आपको कोई नहीं बताया होगा पूरा यूट्यूब पे कि काइन मास्टर से भी थंबनेल बनाया जाता है। अगर आपको जानना है कि काइन मास्टर से थंबनेल कैसे बनाएं तो आइए हम जानते हैं काइन मास्टर से थंबनेल बनाने का सबसे आसान तरीका और किस तरह से थंबनेल बनता है और इसका हर थंबनेल वायरल होगा। काइन मास्टर से बनाया हुआ थंबनेल हर वायरल होगा, तो किस तरह से थंबनेल बनाएं आइए हम जानते हैं। जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर हैं सभी इसी को यूज करते हैं और किसी को नहीं बताते हैं। तो काइन मास्टर से हम कैसे थंबनेल बनाएंगे, सबसे पहले हम काइन मास्टर को ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं काइन मास्टर को हम ओपन कर दिए हैं। इसमें एक प्रोजेक्ट लेंगे, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं क्रिएट का ऑप्शन प्लस का आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ फर्स्ट वाले पे क्लिक किया हुआ इसी पे क्लिक करके छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं क्रिएट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करके आपको यहाँ से एक लेयर लेना है, यहाँ देख लेंगे जो भी थंबनेल का बैकग्राउंड में रहेगा। तो हम इसको वाइट वाले ले लेते हैं, इसको ले लिए, इसको छोड़ देंगे ऐसे ही। उसके बाद आपको फिर इसी पर जाना है लेयर पर, इसके बाद यहाँ सबसे ऊपर वाले पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको फिर से इमेज पर जाना है, इस पर जैसे देख सकते हैं एक इमेज फिर से उठाना है। जैसे हम इसको उठा लेते हैं, इसको उठा लिए, पीछे जाएंगे, पीछे जाने के बाद थोड़ा इसको बड़ा करेंगे, इस तरह से देख सकते हैं बड़ा कर देना है। अब यहाँ देख सकते हैं थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ देख सकते हैं कट ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको छोटा करेंगे इस तरह से। इस तरह से हम छोटा करते हैं, उसके बाद यहाँ फिर से बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद इसको एडजस्ट करेंगे इस तरह से और इस तरह से थोड़ा बड़ा कर देंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं इस तरह से आ गया है। अब आपको इसमें जो भी लिखना है वो लिख देना है। आप जिस भी कैटेगरी का और जिस भी टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं हेडलाइन में आपको यही लिखना है, तो हम वही लिख देते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं आपको यहाँ पर लिख देना है। तो आइए हम लिख देते हैं कुछ भी, जैसे कि न्यू यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, न्यू यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, हम यही लिखे हैं। और इसको ऊपर ले जाएंगे, इस पर जैसे कि देख सकते हैं इस तरह से, इस तरह से इसको हम कर दिए हैं, इस तरह से एडजस्ट कर देना। उसके बाद आपको फिर इस पर देख सकते हैं दूसरा वाले ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ देख सकते हैं बीच वाले पे लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से एक इमेज लेना है, इस तरह से देख सकते हैं बहुत सारे हैं, आपको जो भी पसंद हो ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो। हम इसको ले लिए हैं, इसको लेने के बाद आप एडजस्ट करना है, इसको थोड़ा छोटा करेंगे हो जाएगा इस तरह से। तो जैसे कि देख सकते हैं हो गया है। उसके बाद बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद फिर इसी नेम पे क्लिक करेंगे। नेम पे क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं थोड़ा नीचे जाएंगे और यहाँ देख सकते हैं इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इसको ऑन करेंगे और इस तरह देख सकते हैं चमकीला हो चुका है। चमकीला होने के बाद इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको ओपन करके थोड़ा हम इसको इस तरह से कर देंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से हो गया है। अब हमको बैग जाना है, फिर से हम लेंगे दूसरा। अगर आप इसमें फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे लेयर पे, उसके बाद फिर इस पर जाएंगे हम और यहाँ आपका जहाँ भी फ़ोटो रखा हुआ है उसको फुल ले लेना है। तो इसमें आपको ये भी आसानी होगा, आप किसी भी फ़ोटो को ले लीजिएगा और आपको बैकग्राउंड चेंज नहीं करना पड़ेगा, इसमें अपने आप बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। इसमें ये भी फीचर्स हैं, यहाँ देख सकते हैं इस पर हम क्लिक किए फ़ोटो को ले लिए। जैसे हम फ़ोटो पे क्लिक किए हैं इस तरह से जूम करेंगे और आपका यहाँ देख सकते हैं फ़ोटो बदलने का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। अभी लोडिंग ले रहा है, अपने आप इसका रिमूव हो जाएगा बैकग्राउंड। तो यहाँ देख सकते हैं अपने आप इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप इसका बैकग्राउंड भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से बैकग्राउंड चेंज हो गया, इस तरह से सेट कर देना है आपको। उसके बाद फिर बैक जाना है, अब आपको फिर इसी पे जाना है लेयर पे। लेयर पे जाने के बाद यहाँ देख सकते हैं इमेज का ऑप्शन है ऊपर में, सबसे ऊपर में क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर हम इसी पे क्लिक करेंगे, इमेज पे, इस पर क्लिक किए। उसके बाद फिर हम एक ले लेंगे इमेज इस तरह से, इसको ले लिए, इसको फिर थोड़ा बड़ा कर देंगे और यहाँ से कट मार देंगे। जैसे ही कट मारिएगा इस तरह से, इसको फिर बैक करना है। बैक करने के बाद इसको फिर से बड़ा करेंगे, इस तरह से बड़ा कर दिए हैं।
जैसे कि देख सकते हैं इस तरह से हम बड़ा इसको कर दिया है। अब आपको इसमें जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं। तो अब हम इसमें लिखेंगे जैसे कि लिखा हुआ है न्यू यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं। तो यहाँ हम दे देते हैं न्यू यूट्यूब चैनल बनाने का सबसे आसान तरीका होता है, जो 2 से 3 मिनट में आप न्यू यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। हम लिख देते हैं 2 मिनट में न्यू यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं। तो इस पर जाएंगे, उस पर जाने के बाद यहाँ आपको लिखना है सिर्फ 2 और यहाँ से दे देना मिनट में सिर्फ 2 मिनट में। तो यहाँ देख सकते हैं लिखा चला गया है सिर्फ 2 मिनट में। हम इसको थोड़ा बड़ा करेंगे इस तरह से क्लिक कर दिए, फिर इसी पे जाएंगे। इस पे जाने के बाद तो इसको थोड़ा नीचा करेंगे बड़ा हो जाएगा, देख सकते हैं इस तरह से बड़ा हो गया है। इसको फिर हम बैग जाएंगे, बैग जाने के बाद इसको भी बड़ा करेंगे नाम को, इस तरह से देख सकते हैं हो गया है न्यू यूट्यूब चैनल कैसे बनाए सिर्फ 2 मिनट में। उसके बाद इसको हम चेंज करेंगे, इसका इस तरह से ओपन करेंगे, काला हो गया है। अब इसका कलर भी चेंज करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जो भी कलर आपको पसंद हो वो ले सकते हैं। हम रेड ले लिए हैं, इस तरह से इसको थोड़ा इस तरह से कर देंगे मीडियम में, हो गया। तो आप देख सकते हैं न्यू यूट्यूब चैनल कैसे बनाए सिर्फ 2 मिनट में हो गया, लिखा चला गया। अगर आप चाहते हैं या बड़ा इसको छोटा करना, तो फिर से इस में जाएंगे, उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कॉड पे क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा छोटा इस तरह से कर देंगे, और इधर से भी थोड़ा छोटा कर देंगे इस तरह से, देख सकते हैं बहुत ही आसानी से होता है। इस तरह से कर दिए सिर्फ 2 मिनट में। अगर आप चाहते हैं इसमें यूट्यूब का लोगो लगाना, तो उसको लेना है, इस पर जाना है। अगर आप डाउनलोड करके रखे हुए हैं तो उसको ले लेना है, इस तरह से लेयर पे जाएंगे, इस पर जाएंगे और आपका जहाँ भी है इस यूट्यूब का लोगो वो ले लेना है। तो मेरा यूट्यूब का लोगो है यहाँ, यहाँ देख सकते हैं इसको हम ले लिए, बस इसको इस तरह से इस पर हम क्लिक कर दें। उसके बाद इस पर फिर जाएंगे कॉट पे, कॉट पे जाने के बाद इस तरह से इसको छोटा करेंगे, जैसे कि देख सकते हैं इस तरह से हम इसको छोटा कर दिए हैं, और इसको इस तरह से लगा देंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं ये भी सेट हो चुका है। अब इसमें आपको और भी कुछ लगाना है और लिखना है तो आप लिख सकते हैं। इसमें लिखने के लिए फिर से आपको लेयर पे जाना होगा, इस पर लेयर पे जाएंगे, लेयर पे जाने के बाद यहाँ देख सकते हैं ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद इसमें भी अगर आप और भी कुछ रखे हुए हैं लिख करके या कुछ सेट करना चाहते हैं तो वो सब सेट कर सकते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं हम इसको लेगा लिख जाएंगे, तो जैसे कि देख सकते हैं हम इसको ले लिए हैं, इस पर क्लिक करेंगे और बैग जाएंगे, ये सेट हो चुका है। इसको फिर से हम छोटा करेंगे इस तरह से, तो हम इस तरह से इसको छोटा कर दिए हैं। तो देख सकते हैं मेरा थंबनेल बहुत ही तगड़ी देखने में लग रहा है अभी ऐसे। और इसमें आपको और भी कुछ लिखना है तो यहाँ छोटा सा लिख सकते हैं। तो हम जैसे कि देख सकते हैं, जैसे कि हम बताते हैं आपको इसमें न्यू यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं सिर्फ 2 मिनट में यूट्यूब। तो यहाँ देख सकते हैं वायरल लिख देंगे हम, तो इस पर जाना है फिर से, और यहाँ नाम पे जाना है, नाम पे जाएंगे, नाम पे जाने के बाद यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ आपको ले जाना है वायरल। इस तरह से वायरल दे दिए और इसको हम यहाँ आगेंगे लिख करके, इस तरह से लिखा गए हैं। और इस तरह से आपको यहाँ देख सकते हैं कलर्स का ऑप्शन है, इस पर जाएंगे, इस पर जाने के बाद आपको कलर लेना है, इस तरह से ग्रीन पे क्लिक कर दिए, इस पर क्लिक करेंगे और देख सकते हैं यह भी हो चुका है। तो इस तरह से हो गया है। अगर इसमें आप कुछ भी और भी सेट करना चाहते हैं तो इसमें देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ इस तरह से देख सकते हैं सेटअप आ गया है, इसमें ग्लेजिंग इस तरह से आ जाता है इसमें। तो आपको यहाँ पर आप कुछ भी नहीं करना, इस तरह से आप इसको जाए। तो अगर आप चाहते हैं इसको छोटा या बड़ा इस तरह से करने के लिए, तो यहाँ से होगा आपका, जैसे कि हम आपको फिर से दिखाते हैं। यहाँ देख सकते हैं टैक्स ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद
अगर इसको आप चाहते हैं छोटा करने के लिए, इस तरह से कीजिएगा आपका छोटा हो जाएगा, और इधर कीजिएगा तो आपका बड़ा हो जाएगा। इस तरह से आप बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको जितना मीडियम में लगे जो भी ठीक लगे उस तरह से कर देना है। उसके बाद यहाँ बैग आना है। बैग आने के बाद इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारी फीचर्स पहले से दिया हुआ है। इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह से इसका कलर जाएगा। और यहाँ कीजिएगा, इस तरफ कीजिएगा तो दायां साइड कीजिएगा तो आपका इसमें कलर आएगा। इस तरह से देख सकते हैं फुल कलर आ चुका है। इस तरह से आप इसमें कलर भी ला सकते हैं और बहुत कुछ है। तो उसके बाद हम फिर पीछे जाएंगे। पीछे जाने के बाद तो मेरा थंबनेल जैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो चुका है कम्प्लीट। तो इसमें भी और भी कुछ बचा हुआ, जिस पर जाएंगे हम, इस पर यहाँ देख सकते हैं लेयर पे जाएंगे। लेयर पे जाने के बाद यहाँ देख सकते हैं इस पर जाएंगे दिल वाले ऑप्शन में। दिल वाले ऑप्शन पे जाने के बाद इसमें आपका बहुत सारा चीज़ रखा हुआ है। यहाँ देख सकते हैं इस तरह से, अगर आप चाहते हैं तो इन सबको भी यूज कर सकते हैं। इन सबको यूज करने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा इसको। तो मेरे में डाउनलोड है पहले से किया हुआ। यहाँ देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें दिया हुआ पहले से। यहाँ देख सकते हैं आपको लिखना नहीं पड़ेगा, पहले से लिखा हुआ है। तो इस पर जाकर के आप ये सबको यूज कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं इस तरह का, अगर लोगों में अगर आप थंबनेल में इस तरह से भी चमक डाल सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं अगर आपको इस तरह से थंबनेल में चमक डालना है तो यहाँ देख सकते हैं क्लिक किया थंबनेल में चमक आ चुका है। चमक आने के लिए फिर से हम इस पर जाएंगे। इसमें और भी बहुत सारे हैं चमकीले चमकीले, आपको जो भी पसंद हो आप उसको ले सकते हैं इस तरह से। तो हमको उतना पसंद नहीं है, सिर्फ हम एक ही डालेंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग थंबनेल बन चुका है। इस तरह सोचो, उसके बाद फिर हम लेयर पे जाएंगे। लेयर पे जाने के बाद यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं सबसे नीचे इस पर हम क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद अगर आप चाहते हैं इसमें जैसे कि तीर का आइकन होता हमारा हुआ तो वह करना चाहते थे, यहाँ इस पर देख सकते हैं पेंसिल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ तीर का ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करके बैग जाएंगे। बैग जाने के बाद आपको जहाँ भी तीर मारना है उस तरह से यहाँ पर मार सकते हैं। इसी जैसे देख सकते हैं इस तरह से जाना है, इस पर जाना है फिर से तीर का आ गया आइकन और इस तरह से आपको मार देना है तीर। इस तरह से हो गया। अगर आप चाहते हैं इसको बड़ा करने के लिए तो यहाँ देख सकते हैं नीचे है, सबसे नीचे इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं बूंदा है, जितना बड़ा लेना चाहेंगे उतना बड़ा होगा यहाँ पर। इस तरह से जैसे आप देख सकते हैं इस तरह से यह बहुत ही आसानी से कर सकते हैं आप काइन मास्टर के मदद से। इस तरह से करना है आपको तो हम इसको नहीं देंगे। अगर आपको लगाना है तो आप लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो सेट कर सकते हैं इसमें। और यहाँ देख सकते हैं अगर इसमें आपको चाहते हैं कि इसको वीडियो थंबनेल बनाने के लिए, अगर यह थंबनेल आपको बन गया आपका बनकर तैयार हो चुका है पूरा यह थंबनेल, तो इसको सेव, पहले हमको बताते हैं किस तरह से करना है। सेव करने के लिए आपको यहाँ देख सकते हैं इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ देख सकते हैं सबसे नीचे तीसरा नंबर पे, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे थंबनेल देख सकते हैं बन गया मेरा थंबनेल। देख सकते हैं थंबनेल बन के तैयार हो चुका है। यह थंबनेल बन के डायरेक्ट आपका फाइल में चला गया, आप वहाँ से इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसको आप वीडियो थंबनेल भी बना सकते हैं इसको आप। तो वीडियो थंबनेल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कि इस तरह से देख सकते हैं हम आपको बताते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यह नाम जो है, नाम भी दौड़ेगा। नाम दौड़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको नाम पे जाना होगा इस तरह से। उसके बाद इस पर देख सकते हैं फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। इस तरह से देख सकते हैं यह हो गया है। देख सकते हैं बहुत ही शानदार देखने में लग रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार देखने में लग रहा है इस तरह से। इस पर क्लिक किए, इसको हम बैक करते हैं। उसके बाद फिर हम दूसरे पे जाएंगे, इस पर जाएंगे। उस पर जाने के बाद फिर हम इस पर जाएंगे। इस पर जाने के बाद देख सकते हैं इस तरह से आपको सभी नाम पे क्लिक करना है और इसको ऐसे ऐसे कर देना है ताकि देखने में अच्छा लगे इस तरह से। तो इस तरह से हम कर दिए हैं। उसके बाद फिर हम जाएंगे इसी नाम पे, ऊपर वाले नाम पे जाएंगे। नाम पे जाने के बाद यहाँ देख सकते हैं नीचे भी क्लिक करेंगे सबसे नीचे। उसके बाद फिर इधर से भी कर देंगे। तो इस तरह से आपको कर देना। अब इसको हम प्ले करेंगे, जैसे कि हम आपको बताते हैं प्ले करके किस तरह से देखने में लगेगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं प्ले का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए कितना शानदार लगा देखने में।
यह हो गया आपका वीडियो थंबनेल और वो हो गया था सिर्फ थंबनेल। आप इस तरह से वीडियो थंबनेल को भी बना सकते हैं और थंबनेल को भी बना सकते हैं बहुत ही आसानी से काइन मास्टर की मदद से। देख सकते कितना मस्त देखने में लग रहा है इस तरह से थंबनेल। इस तरह से आपको थंबनेल बनाना है काइन मास्टर की मदद से सिर्फ बना सकते हैं और कहीं से नहीं बना सकते इस तरह का थंबनेल। और आपको यह जानकारी अभी तक कोई नहीं दिया होगा थंबनेल बनाने का, काइन मास्टर से भी थंबनेल बनता है। और इस तरह से आप थंबनेल बनाकर यूज कर सकते हैं, आपका हर वीडियो वायरल होगा। देख सकते कितना ही मस्त देखने में लग रहा है थंबनेल। यूट्यूब थंबनेल सबसे बेटर बनता है आपका काइन मास्टर से, इस तरह से आप बना सकते हैं। अगर आपको इसमें इफेक्ट्स के बारे में बताए थे तो यहाँ देख सकते हैं इफेक्ट्स। आपको अगर डाउनलोड नहीं है, डाउनलोड करना है तो यहाँ देख सकते हैं नीचे इस पर क्लिक करना है आपको। इस पर क्लिक करके नेट खोलना होगा, नेट खुलेगा आपको यहाँ पर सारा इफेक्ट्स आ जाएगा और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पर हम नहीं नेट खोलेंगे अभी, नहीं किसी का कॉल आ जाएगा, कॉल आने के बाद वीडियो कट जाता है इसीलिए हमने करेंगे। तो इस तरह से आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपका ये वीडियो थंबनेल बनाना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं इस तरह से बन गया। और उसमें अगर आप सॉन्ग लगाना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं ऑडियो का ऑप्शन है, ऑडियो के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। ऑडियो ऑप्शन पर हम जैसे क्लिक करेंगे यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे फीचर्स पहले से दिया हुआ है, जो भी आपको ऑडियो पसंद हो ले सकते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे, देख सकते हैं ऑडियो चलना स्टार्ट हो गया है। तो जैसे आप देख सकते हैं अगर आपको ऐड करना है इस पर क्लिक करेंगे और ये ऑडियो ऐड हो जाएगा इसमें। जैसे कि हम आपको सुना देते हैं ये ऑडियो लगा करके, इस तरह से हम कर दिए। यहाँ देख सकते हैं प्ले का ऑप्शन, इसमें हम क्लिक करेंगे या देख सकते हैं कितना ही मस्त लग रहा था मेरे वीडियो के साथ ऑडियो। इस तरह से आप इसको भी एडिट कर सकते हैं, वीडियो थंबनेल भी एडिट कर सकते हैं, ऑडियो थंबनेल भी एडिट कर सकते हैं। यह सबसे आसान तरीका था। और अगर आप चाहते हैं इसी तरह से थंबनेल को बनाना और थंबनेल को यूज करना तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होगा। और इस तरह से आप थंबनेल बना सकते हैं। तो थंबनेल आपको बनाने के लिए हम बता दिए, थंबनेल बन चुका है और हम आपको बताते हैं थंबनेल बन के कैसा लगता है काइन मास्टर। अगर आपका थंबनेल बन के तैयार हो गया, वो कहाँ गया और किस तरह से उसको सेट करना है तो वो भी हम आपको बताते हैं। देख सकते हैं बैक का ऑप्शन है, इसको हम बैक करेंगे, इसको हम काट देंगे। काटने के बाद अब आपको गैलरी में जाना है और देखना थंबनेल बन के यहाँ पर आया कि नहीं आया। तो यहाँ देख सकते हैं मेरा थंबनेल बन के यहाँ पर आ चुका है, कितना मस्त थंबनेल लग रहा है और बन के तैयार हो चुका है थंबनेल इस तरह से। तो आपको यह सेट कैसे करना है, थंबनेल बन के गैलरी में आ चुका है इस तरह से। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस YouTube स्टूडियो में जाके थंबनेल सेट कर देना है, बस वीडियो अपलोड कर देना है, पब्लिक कर देना है। उसके बाद आपका वीडियोस पे व्यू आना ही आना है अगर आप इस तरह से थंबनेल बनाते हैं तो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पे नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें ताकि इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो सबको मिलते रहे। कोई भी नई अपडेट आए और कोई भी नई जानकारी आए तो आपको मिलते रहे। तो हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब एंड लाइक। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।